जय बद्री विशाल। आप किसी की गाड़ी पलटा दे रहे हैं, किसी की बाइक जो है गिरवा दे रहे हैं। अतीक अशरफ का एनकाउंटर नहीं हुआ था, आप इसे देवती राजूपाल की हत्या में आपको मालूम है, वहां पर जहां पोस्टमार्टम हो रहा था वहां तक जाकर के सबके सामने मारा था वो। तो कह रहा हूं अनिल सुजाना का भी एनकाउंटर गलत हुआ है। लोग सरकार ये भैंसे ढुलवाने में काम नहीं करेगी। हाल फिलहाल में कई अपराधी आए हैं जो तख्ती टांग कर पहुंचे हैं कि पुलिस वालों हम पर गोली मत चलाओ, हम सरेंडर कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फोकी पहाड़ी में। आज की डिबेट उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा माफियाओं के खिलाफ हो रहे एक के बाद एक एनकाउंटर्स के ऊपर है, जिसमें पक्ष व विपक्ष तीखी नोकझोंक करते नजर आए। वीडियो मजेदार है, अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जी ने आपसे सवाल, उस सवाल का जवाब दीजिए, लेकिन उसके साथ ही एक चीज मैं और ऐड करता हूं। यह सवाल कल भी मैंने समाजवादी पार्टी के नेता से पूछा था, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। ये एनकाउंटर आपको फेक लगता है, रियल लगता है या भाईचारे को खराब करने वाला लगता है? तीनों में से कौन सा विकल्प चुनेंगे? देखिए राकेश जी मैं बताऊं, यदि जिस तरीके से अभी त्रिपाठी जी बता रहे थे कि एनकाउंटर जो है ये फर्जी नहीं होते हैं, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों देता है? सवाल यहां ये आता है। अच्छा दूसरा, ये कहते हैं कि जो अपराधी जो है यदि पुलिस पे गोली चलाएगा, अरे आप कैसी बात करते हैं? अपराधी जो पुलिस कस्टडी में है, आप किसी की गाड़ी पलटा दे रहे हैं, किसी की बाइक जो है गिरवा दे रहे हैं, किसी को जब कुछ नहीं चला तो लवलेश तिवारी पर मीडिया के साथ देखने गए दे रहे हैं। आपकी सैटेलाइट समाजवादी पार्टी की सैटेलाइट लगी हुई थी, सरलता से समाजवादी पार्टी की सैटेलाइट जिसका जिक्र अखिलेश यादव कर रहे थे, ये क्या सैटेलाइट ऊपर से लगी हुई थी क्या? नहीं, समाजवादी पुलिस ने गाड़ी पलटा दी, आप समाजवादी पार्टी के सैटेलाइट नहीं, सुन लीजिए, अरे भाई सुनिए, समाजवादी पार्टी की सैटेलाइट नहीं लगी थी, पर टाइम्स नाउ नव भारत का कैमरा जरूर लग रहा था। तो क्या था? अतीक अहमद पे सरेराम मीडिया के सामने गोली मारने का काम हुआ, तो लगा था नहीं लगा था? टाइम्स नाउ नव भारत का कैमरा, मुझे बताइए राकेश जी। सक्सेना जी, अतीक अशरफ का एनकाउंटर नहीं हुआ था, आप इसे क्यों नहीं लगे? एनकाउंटर नहीं हुआ था, मर्डर हुआ, अरे जाति एनकाउंटर हुआ, विकास दुबे एनकाउंटर, ठीक है सुनिए सर सुनिए ठीक है, और यहाँ पर अनिल दुजाना का एनकाउंटर, तो मर्डर और एनकाउंटर में फर्क समझा करिए। अतो सक्सेना जी नहीं, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो एनकाउंटर को गलत बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अनिल दुजाना का भी एनकाउंटर गलत हुआ है। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ इस बात को, मैं कब कह रहा हूँ कि अनिल दुजाना का एनकाउंटर सही हुआ है? मतलब आप ही न्यायिक आयोग है, आप ही कोर्ट है, अपराध की मजिस्ट्रेट करते हैं, हम तो कहते हैं जिसने अपराध किया है वो जेल की सलाखों के पीछे जाए, संवैधानिक कार्यवाही होते हुए संविधान में जो आईपीसी सीआरपीसी इंक्वायरी होने दीजिए। और निजय जी अतुल जी को समझाइए, मर्डर एनकाउंटर में फर्क होता है, नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं अवनी देखिए, अरे भाई अवनीजेश पूछना चाह रहा था, अमरूद भी चूस के खाते हैं, बड़े भोले भाली तरीके से प्रोफेसर साहब कह रहे थे यहाँ पे बात, जरा इनसे पूछे ब्रजभूषण सिंह को माफिया कहेंगे? नहीं सर, मुझे क्या सवाल पूछना है आप बताइए सर, कोई नेता नहीं बस मुझे बताएगा कि मुझे किससे क्या सवाल पूछना है। ठीक है सर, ठीक है, रुक जाइए, 1992 कांड, इसमें दाऊद इब्राहिम का, राकेश जी राकेश जी अतुलिया की बात पूरी हो गई, आपका सवाल भी उन तक पहुंच गया, रुक जाइए सर, रुक जाइए, एक के ऊपर एक बोलने पर ना किसी, रुक जाइए रुक जाइए, अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए, एक भी आवाज नहीं जाती इधर से, बात यह है एक भी आवाज नहीं। अतुल सक्सेना जी सर, मुझे मत मजबूर किया करिए कि मुझे किसी की आवाज डाउन करवानी पड़े, जब बोलूं तो चुप हो जाया करिए, ठीक है राकेश राकेश जी? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सब लोग बाहर से स्टूडियो से नहीं होते, तो बाहर आवाज नहीं जाती, दर्शकों को समझ में नहीं आता। अतुल जी आपने कहा कि सबके सामने आपने लवलेश तिवारी से अतीक को मरवा दिया, गोली चलवा दी, आपने ये वक्तव्य दिया, तो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि आपने लवलेश तिवारी को पुलिस ने या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अरेंज करके अतीक अहमद को मरवाया सबके सामने, आपको वो गोलियां नजर आई मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, आपने जब वो उमेश पाल को मारा गया था, जब राजू पाल की हत्या हुई थी, जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, राजू पाल की हत्या में आपको मालूम है, वहां पर जहां पोस्टमार्टम हो रहा था वहां तक जाकर के सबके सामने मारा था, वो आपको हत्या नहीं नजर आ रही थी? उसमें न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए, कोई गवाह भी नहीं बचना चाहिए और हत्यारे बच जाने चाहिए, क्योंकि कोई गवाह की अनुपस्थिति में कोई अपराध सिद्ध नहीं हो पाया तो भूल गए लोग,
अतुल जी ये चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में रोजगारों की बहार, उत्तर प्रदेश में रोजगारों की बहार है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से लोगों को अपने भयमुक्त समाज में रहने का अवसर मिल रहा है, लोगों में एक ऐसे विश्वास का संचार हुआ है कि हाँ वो एक सभ्य समाज में रह रहे हैं, अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा तो सरकार उसका पक्ष नहीं लेगी, जैसा कि 2017 से पहले होता था। लोग सरकार ये भैंसे ढूंढवाने में काम नहीं करेगी, ये सरकार भैंस ढूंढवाने की बजाय अपराधियों को ढूंढवाने का काम करेगी, ये लोगों में विश्वास आ गया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अतुल सक्सेना जी सुनिए, सुनिए अतुल सक्सेना जी सुनिए, आपके पास आ रहा हूँ। हमने तस्वीर लगातार दिखाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनाक्रमों का जिक्र किया, हाल फिलहाल में कई अपराधी आए हैं जो तख्ती टांग कर पहुंचे हैं कि पुलिस वालों हम पर गोली मत चलाओ, हम सरेंडर कर रहे हैं। मुझे जरा बता दीजिए, समाजवादी पार्टी में ऐसे कोई सरेंडर हुए हैं क्या जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी? उनमें से कितनों को गोली मारी गई? नहीं अतुल भाई सुनिए, मैं पूछता हूँ, सपा की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो मुझे जरा बताइए कि क्या कोई अपराधी तख्ती डालकर थाने पहुंचा डर के मारे कि साहब हम पर गोली मत चलाना, मैं पहले सरेंडर कर रहा हूँ? ऐसे कितने सरेंडर हुए सपा सरकार में? और जो समर्पण करने आए उनमें उनमें से कितनों को गोली मारी गई? भाई आप समझिए, मैं वही तो कह रहा हूं कि इस लोकतंत्र में इस तरीके के भयमुक्त वातावरण की जरूरत क्या है? आप मुझे बताइए, आप किसी के गले में नहीं ये तो भाई होना चाहिए कि जाओ इस तरीके के जाकर के मीडिया में बोलो। आप बताइए कि आप खुद ही इस तरीके का प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, ये क्या है? आपको पता है क्या बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं वातावरण की क्या जरूरत है? अरे जरूरत है भाई वातावरण की, और भाई होना चाहिए अपराधियों के अंदर चला करके पुलिस का भाई तख्ती डालकर थाने पहुंच जाए। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।